नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमने बनाया था और उसकी सपोर्ट में IMF कहता है कि मैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपको दे रहा हूं ताकि आपके प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा सके। था जिनका दावा था कि ये सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, मगर हुआ क्या, 9 महीनों में आवाम के हिस्से में सिर्फ मुश्किल फैसले आए। दूसरी तरफ फौरी कानून साजी करके सारे तजर्बाकारों ने 1100 अरब की करप्शन के मुकदमात मुआफ कराए। अब हालात ये है कि रियासत डूबती जा रही है, मगर सितम यह है कि इन तजर्बाकारों का शौक सियासत खत्म होने में नहीं आ रहा। मुल्की ज़र्मबादा के ज़खायर $4 अरब से कम रह गए। मुल्क में 16 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। LCs ना खुलने से हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अब तो आवाम बीमार होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों के पास सिर्फ 15 दिन का खाम माल बाकी रह गया है। 14 दिन का तकरीबन हमारे पास पेट्रोल के रिजर्व रह गए और अद्वियात जो हैं वो उनकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। यानी अभी जो बड़ी बुनियादी दवाइयां हैं उनको मुझे लग रहा है कि हम जो है ना रैशनल थिंकिंग नहीं कर रहे। आपने 75 ईयर से जो रियासत को चलाया वो उधार पे चलाया। अच्छा, दूसरी बात नसीम ये है कि मैं समझ रहा हूं कि अब हमारे पास वक्त बड़ा कम बचा, चंद हफ्ते बचे हैं। आप समझिए कि मईशत जो है वो एक चट्टान की एज पे खड़ी, बिल्कुल किनारे पे खड़ी, महीने नहीं है फॉर श्योर, कुछ हफ्ते बचे हैं और हमने बड़े फैसले लेने हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत खजाना ने बड़े फैसले लेने हैं। आप जरा देखिए कि ग्राउंड की जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है। हमारे पास कोई 18 दिन का पेट्रोल पड़ा है, कोई 25 से 30 दिन का डीजल के स्टॉक रह गए हैं, 30 दिन से ज्यादा का कोई स्टील नहीं रह गया। अस्पतालों में एक्सरे की फिल्में खत्म है, MRI की फिल्में खत्म हो रही हैं। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनके फार्मास्यूटिकल एजेंसी वाले फार्मास्यूटिकल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रह गया उनके पास। तो चंद हफ्ते बचे हैं या महीने का खेल नहीं है। फैसले बड़े बड़े करने हैं कि क्या हम IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसका आप बता रही हैं कि आज फैसला किया गया कि शायद हम जाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये करना है कि क्या रुपए की जो हकीकी कीमत है, जो मार्केट डिटरमिंड रेट है, क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि क्या हम इस्लाहात लाने के लिए तैयार हैं या जो हमारी भीख मांगने की प्रैक्टिस रही है, जो स्टेटस को उस पे मेंटेन करना चाहते हैं। को भी आप लेने जाएं जो आम फार्मेसीज हैं इस्लामाबाद की, तो वहां पर वो पूरा डब्बा आपको पेनाडॉल का नहीं देंगे, उसमें से स्ट्रिप देंगे। अच्छा, तो इंसुलिन की के प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए, अद्वियात के, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ। और देखिए, ये तो जो भी कुछ हो रहा है ना इससे, और मैं इसमें दो बातें ऐसी हैं जो जहन में आती हैं। एक वैसे सोचे आदमी कि क्या हो रहा है, पहले तो ये आता है ना कि ये कोई कुदरत की तरफ से है या ये मैनमेड क्राइसिस है। ये शायद ये दोनों का दोनों कहीं मिल गई हैं चीज़ें कि कुदरत की तरफ से लिखा गया था कि यही होगा यहाँ पे इस वक्त। दूसरी बात जो जहन में आती है वो ये है कि इस वक्त आप पूरी दुनिया में देखें तो लोग, जैसे प्यूटिन बात कर रहा है तो प्यूटिन कह रहा है कि रशिया के साथ, रशियंस के साथ, मॉस्को के में ऐलान हुआ है कि जी वो मिसाइल अगर आते हैं तो उनको रोकने के लिए वहाँ पे डिफेंस सिस्टम लगा दिया जाए, क्योंकि आज मीटिंग हो रही है जर्मनी में वही टैंक्स के हवाले से जो मैंने बात की थी कि Leopard 2 टैंक्स देने हैं कि नहीं देने यूक्रेन को। हो सकता है जर्मन्स मान जाएं और हो सकता है कि जर्मन्स स्टैंड ले लें। जो बांग्लादेश की वजीर आजम है वो बांग्लादेश के लोगों के बारे में बात कर रही हैं। जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो कह रहे हैं अमेरिकन इंटरेस्ट। हर मुल्क, आप कबीलों में चले जाएं, इसको आप रियासतों के लेवल पे चले जाएं तो ये बात हो रही है स्कॉटलैंड या कैलिफोर्निया के, जो आप कबाइल के लेवल पे चले जाएं तो उस कबीले का एक कबीला दूसरे कबीले के साथ उसका इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि जी सरदार कह रहा है कि ये मेरा कबीला है, ये मेरे लोग हैं। शायद इस रूए ज़मीन पे ये पाकिस्तान
इस वक्त एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर अब ये बात भी नहीं हो रही कि जी ये मेरे लोग हैं, मेरा इलाका है, मेरा कबीला है, या मेरे मतलब कोई पार्टी अगर जो है वो केपी से है तो सोचे कि ये पिशावर है, ये हमारे हमारे लोग हैं, कोई कराची या हैदराबाद या लाहौर या गुजरात या कोयटा, मतलब एक होता है ना कि ये यार मेरे लोग हैं यहाँ पे, ओनरशिप दे, ओनरशिप नहीं, कोई कोई इस वक्त कोई किसी का नहीं ऐसा लगता है। और लोगों का तो छोड़ दें, इस वक्त भाई भाई से लड़ रहा है, ये मैं आपको फैसला करने वाले ऊपर अपर जो काबरीन के लेवल पे, भाई भाई से लड़ रहा है और कह रहा है कि खबर लगा दो लेकिन हमारा नाम ना लेना, और बच्चे बाप से, बाप आगे ये कजन्स आपस में लड़ाइयाँ, और वो एक ऐसे सतह पे चले गए जैसे कि मतलब मारो या मर जाओ। तो ये दूसरी बात देखिए हैरत होती है कि मतलब इनसे मैं क्या बात करूं किसी से कि जी एलसीज नहीं खुल रही, आईएमएफ में हम जाएंगे तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कब होगा, कैसे होगा, आगे महंगाई बढ़ रही है, मैं इनसे क्या बात करूं कि ये तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं आपस में, मतलब ये मेरी बात क्या सुनेंगे, मतलब ये किसी की बात क्या सुनेंगे। वो टाइटैनिक अगर फिल्म देखी हो किसी ने मूवी, तो टाइटैनिक जो है उसका अगर जहाज अगर उसकी पिक्चर हम देखें ना टाइटैनिक की, तो उसमें फौरन जहन पे जो है ना आपके वो आता है जो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है अपर डेक पे, अपर डेक पे ऑर्केस्ट्रा अगर मूवी के अंदर, और ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, खाने सर्व हो रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, और आपको अपर डेक यानी ऊपर की उसके गाने फिल्माए जा रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, उस फिल्म को अब अगर अगर आपने देखा हुआ पहले, तो उस फिल्म को देख के आपके कहीं जहन में ये नहीं होगा कि इसके कोई इसका कोई लोअर डेक भी है, यानी वो लोग जो नीचे जहाज में सवार थे जो ऊपर वालों को खाना दे रहे थे। कभी आपने कोल्ड वॉर में चले गए, कभी आप जहाद अफगानिस्तान में चले गए, कभी आप टेररिज्म की वॉर में चले गए, तो आपने चीज सीख ली कि हम दुनिया को ना कहीं सिचुएशन में हिस्सा बन के अपने आप को जिंदा रखेंगे। मगर हमने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हो सकता है कभी दुनिया में जंग खत्म हो जाए या कभी हम इनरेलीवेंट हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। उसमें हुआ क्या, उसी उसके दौरान हमने 23-24 करोड़ इंसान भी बना ली, आबादी भी दुनिया की 5वीं बड़ी कर ली। अब इशू क्या है, इशू ये हो गया कि हमने कभी सेल्फ सफिशिएंसी पे सोचा ही नहीं है। ये जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट आपने लगाया हुआ है, डिफॉल्ट का एक सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी बंदे की किसी भी मुल्क की आमदनी है वो कम है, अखराजा ज्यादा, तो वो डिफॉल्ट करेगा। तो डिफॉल्ट तो आपने 47 से किया हुआ है, मुझे ये भी नहीं समझ आ रही। मैं अब इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूं, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बुरा टाइम है, आई एग्री विद यू, मगर मैं इसको इंतहाई अच्छा टाइम भी समझता हूँ। मैं इतना अच्छा समझता हूँ कि जो दुनिया के इदारे हैं वो हमें समझा रहे हैं कि भाई ये इस तरह इकॉनमी नहीं चल सकती, इस तरह रियासत नहीं चल सकती, आप बंदे के पुत्र को ना रूट्स बनाओ। मुझे तो लगा है कि जो मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट लोग बातें कर रहे थे वो अब IMF कर रहे हैं। हमें तो ये बताया गया था कि ये जो अमेरिकन है, ये जो कैपिटलिस्ट है, ये फौजे रखते हैं। अब हमें बताया गया कि IMF ने कहा कि जनाब अपना श्रीलंका को कि अपनी आधी फौज कम करो। तो सैनिटी हमारे अंदर नहीं है, दुनिया को सैनिटी की समझ आ गई है। और मैं इसको बड़ा एक आइडियल टाइम समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो उधार का निजाम था कि लोगों से उधार लेके रियासत चलाओ, और मैंने पहले भी आपको बताया था पाकिस्तान की रियासत चलाने के लिए 11,000 अरब रुपए चाहिए होते हैं। ये कर्जा कुर्जा मेरे लिए किसी ने नहीं लेना, ना कोई मेरा कोई क्राइसिस चल रहा है, ना मेरी इकोनॉमी का मसला है, ये रियासत चलाने का मसला चल रहा है। तो ये तो बड़ी अच्छा टाइम आ गया है कि ये रियासत किस तरह नहीं चल सकती। मुझे होप लग रही है कि इससे बेहतरी होगी। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ कि पाकिस्तान अच्छे टाइम पे आ गया, इससे आगे बेहतर होने की गुंजाइश बहुत बढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में बीमारी भी एक खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में दवाइयाँ भी 2 दिन का स्टॉक बचा है। पाकिस्तान में धीरे धीरे हर एक चीज़ की किल्लत होती चली जा रही है। पाकिस्तान की सरकार के पास खरीदने के लिए डॉलर नहीं है। पाकिस्तान का अधिकतर इंपोर्ट्स पर पाबंदी है। पाकिस्तान अब IMF के प्रोग्राम में जाने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान में और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। इस वजह से
पाकिस्तान में लोग सड़कों पर जरूर उतरेंगे और जम करके तांडव मचाएंगे। साथ ही पाकिस्तान का अब उधार का निजाम बंद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान 75 सालों से उधार पर ही चल रहा था, लेकिन अब दुनिया ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की भीख मांगने की एक आदत सी बन गई थी जिससे दुनिया परेशान हो गई थी। पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाला सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को ढेला देने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान के लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो है IMF। यदि पाकिस्तान IMF की शर्तों को मंजूर कर लेता है और पाकिस्तानी अवाम पर 200 अरब से ज़्यादा के टैक्स लगा देता है, तो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से भी पैसे मिल सकते हैं और पाकिस्तानी की इकॉनमी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान पर कोई चारा नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।